गुड मॉर्निंग सर। अच्छा हाँ ये 7 नंबर वाले आए? सर, मैं उन्हीं को कॉल मिला रही हूँ, बट वो उठा ही नहीं रहे। ओके 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 ठीक है, मैं बाकी लोगों को टेम्पल रवाना करता हूँ यस सर। और वो लोग भी आ जाएंगे। और हनीमून वाले हैं, इतनी जल्दी कहाँ उठते हैं। ठीक है ठीक है सर। क्या हुआ सर, ये लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। 9:30 को उठाने को बोला था, 10:30 हो चुके हैं। ठीक है मैं देखता हूँ। तेरा माल तेरे को मिल जाएगा, लेकिन मेरे को एडवांस चाहिए। ठीक है मिल जाएगा। हेलो सर, हाँ वो निकल गया। मास्टर की लाया? यस सर, ये लीजिए। पुलिस वाले से रेस लगाएगा? हीरो समझता अपने आपको? बहुत भगाया साहब इस त्रिगुट ने, अब देख पीयूष साहब तेरा क्या हाल करते हैं। ये तो अंदर से लैच किया हुआ है। अब सर अंजलि ले जाओ इसको। चल हेलो सब इंस्पेक्टर मिलिंद सालवे, बोलो क्या क्या हुआ सालवे साहब? कृष्णा रिसोर्ट के मैनेजर का फोन था, कोई कपल ठहरा हुआ है हनीमून के लिए। वो बोल रहा है कि सुबह से दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। चलो कृष्णा रिसॉर्ट। अरे सर फोन किसने किया? सर मैंने किया था। अरे क्या तुम लोग छोटी छोटी बातों में गड़बड़ी करता है। हनीमून के वास्ते आया ना वो लोग, कहीं इनमें सो रहा होगा। तुम्हारा शादी हुआ क्या? सर अगले महीने। ओके अगर देर तक सोना होता तो बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लटका देते, राइट? सर उन्होंने बोला भी था कि उन्हें 9:30 जगा दें, उन्हें सबके साथ मंदिर जाना था।
साहब इधर का खिड़की खुला है। ये लोग कब आए थे यहाँ पे? रात को 7:30 बजे सर। रात को 7:30 बजे, ठीक है, मुझे यहाँ का सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। सर यही वाली कार थी। मुक्ता, ये तो एकदम मस्त होटल है ना, है ना? चंदर, इससे बेटर हो सकता था, पर ठीक है। अरे मैडम, बहुत बढ़िया होटल है। आप लोग चलिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आप चंदर राठी के नाम से बुकिंग होगी। वेलकम सर, आपके लिए हमने रूम नंबर 007 डेकोरेट किया है। डेकोरेट किया? क्यों? एक्चुअली आप लोग हनीमून पे आए हैं ना, थोड़ा डेकोरेशन तो रहना चाहिए, और वैसे भी आप हमारे स्पेशल गेस्ट। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम मैम। आप साहब, आपका सामान। ओके। वैसे मैडम एक बात बोलूं, हमारे मैनेजर साहब का अरेंजमेंट ना बहुत कमाल है, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू। ये आपके रूम की कीज है, और आप अपने रूम में चलिए, मैं आपका सामान रूम नंबर 7 पे भिजवा देता हूँ। यार रुको जरा, ये बूढ़ा आदमी इन दोनों की तरफ इशारा क्यों कर रहा है? सर कल ही आया था ये। सर ये उन दोनों की तरफ इशारा करके कह रहा था कि उसे इन दोनों के आसपास ही कोई रूम चाहिए, तो मैंने सेकंड फ्लोर पे 9 नंबर का रूम दे दिया था सर। एक कमरा छोड़ के? हाँ सर। ये आदमी अभी कहाँ पे है? सर ये बाकी गेस्ट के साथ काली मंदिर गया था, और ये दोनों भी वहीं जाने वाले। हाँ सर, इसीलिए उन्होंने रात में कॉल भी किया था कि उन्हें सुबह 9:30 पे जगा दें, उन्हें भी मंदिर जाना था। कॉल कितने बजे किया था इसने? सर करीब 8:15 बजे। अंजलि, साल भी कुछ मिला क्या? सर कुछ भी नहीं मिला साहब, ना ज्वेलरी है, ना उनका पर्स है, ना उनका मोबाइल मिला, सिर्फ कपड़ा है। सर ये तो रॉबरी का केस लगता है। लेकिन हो कर ये हनीमून कपल कितने पैसे, कितना कैश या कितने गहने लेकर आए होंगे? ये रॉबरी नहीं है, कुछ और ही मकसद लगता है मुझे। आपके पास उस ड्राइवर का नंबर है क्या? हाँ सर, मैं कॉल करता हूँ। स्विच ऑफ जा रहा है सर। वो तो आना ही था। सर मैंने उस ड्राइवर को देखा था होटल में 8 बजे। हाँ देखा था, इसी रूम के बाहर। अरे सुनिए थोड़ा। अरे यार ये बस 007 वाले सर का मेरी गाड़ी में छूट गया था, दे दोगे? गाड़ी में सवारी बैठे गुस्सा हो रही है। कोई बात नहीं। मतलब ड्राइवर चला गया? सालवे ये खून किया किसने? अब एक काम कीजिए, कल शाम से लेकर अभी तक की सारी सीसीटीवी फुटेज अंजलि को दे दीजिए। जी सर। अंजलि तुम ये फुटेज कलेक्ट करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। साहब कृष्णा रिसोर्ट का रिकॉर्ड चेक किया मैं, उसके रिकॉर्ड के हिसाब से ये दोनों शिवपुरी से उज्जैन अपना हनीमून के वास्ते आया था, और उनका होटल का बुकिंग उनका ही कोई एजेंट किया था साहब। और उस कैब ड्राइवर का नंबर स्विच ऑफ हो रहा है। हाँ साहब। साल्वे तुमने उस गाड़ी का नंबर नोट किया था ना? किया ना साहब, उसका डिटेल आरटीओ ऑफिस भेजा है मैं, शाम तक पता चलेगा किसका कैब था करके। ग्रेट, एक काम करो, मुक्ता और चंद्र के पेरेंट्स को कांटेक्ट करो। हाँ साहब। पुलिस स्टेशन देखो। सर क्या हुआ है, मतलब हमें यहाँ क्यों बुलाया? साल्वे आपका बेटा है? जी हाँ साहब, ये हमारा बेटा है।
कल रात से फोन कर रहे हैं मगर स्विच ऑफ आ रहा है। वो कभी ऐसा नहीं करता। कल शाम को 5 बजे लास्ट बात हुई थी, उसने कहा कि वो होटल पहुंच कर फोन करेगा मगर फोन ही नहीं आया। मुझे बहुत डर लग रहा है, उसकी पत्नी मुक्ता, उसका बाप उनकी शादी के एकदम खिलाफ था और मुक्ता ने अपने मायके से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, इसलिए उसके बाप ने सबके सामने दोनों को धमकी दी थी मार डालने की। सर आप कुछ छुपा रहे हो क्या? कहाँ है मेरा बेटा? वो ठीक तो है ना? बताइए ना कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है बताइए ना। आप दोनों को मेरे साथ आना होगा। सर यहाँ क्यों? अंदर आइए आप लोग। ये आदमी रूम नंबर 007 के डोर पे कान लगा के खड़ा है। साहब ये होटल के बाहर का फुटेज है। सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं? सर वो मेरी गलती है, मैनेजमेंट ने मुझसे कहा था लगवाने के लिए लेकिन मैं फॉलो अप नहीं कर पाया सर, आई एम सॉरी। इनमें से रूम नंबर 9 वाले का कार कौन सा है? सर ये बीच वाली। सर हमें अभी के अभी उसे उसके रूम में जाके पकड़ लेना चाहिए। पकड़ लेंगे, पहले उसके खिलाफ कोई सबूत तो मिले। इस गाड़ी के ओनर का नाम क्या है? किशन नेगी सर। सालवे उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर भी था। आई एम श्योर उस न्यूज़पेपर के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर है, वो यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। ढूंढो। नहीं
मैम योर की। Who is it again? साहब। सुन, किशन नेगी कातिल है। और ये रहा सबूत। अंजलि, अब पकड़ते हैं इस किशन नेगी को। किशन जरूर में है क्या? सर वो तो अभी अभी निकल गए। कहीं आसपास ही होगा। अंजलि, तुम पीछे के रास्ते जाओ। साल्वे। किशन नेगी, खूनी, खून करके भागता है। खून? मैंने किसी का खून नहीं किया सर। सर, मैंने कोई खून नहीं किया, आप यकीन कीजिए। आप क्या जो बोलना है पुलिस स्टेशन चलकर बोलना। ये ज्वेलरी तुम्हारा कार का डिक्की में मिला, ये वो चाकू जिसे तुमने गला काटा और काटने के बाद होटल में झाड़ियों के पीछे फेंक डाला। सर देखिए, ये ज्वेलरी मेरी है, लेकिन सर मैंने किसी का खून नहीं किया है। तो फिर भाग क्यों रहे थे? वापस जा रहा था। शट अप। रूम नंबर 7 में उन दोनों का गला रेत कर उनकी हत्या करके भाग रहे थे ना तुम? रूम नंबर 7 में हत्या? किसकी सर? रूम नंबर 7 में मेरी बेटी मुक्ता अपने पति चंदर के साथ रह रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? कहाँ है मेरी बेटी? क्या हुआ उसको? मुक्ता मेरी बच्ची, मुक्ता मेरी बच्ची, मेरी बेटी है क्या? मुक्ता, तूने मारा ना मेरे बेटे को, तूने मारा ना मेरे बेटे को अपनी बेटी के साथ। क्यों मारा? ला दे मेरा बेटा वापस, ला दे मेरा बेटा वापस, ला दे मेरा बेटा। मैंने नहीं मारा अपनी बेटी को मुक्ता, मुक्ता। सर मैंने अपनी बेटी मुक्ता के लिए बहुत बड़े घर में रिश्ता तय किया था, लेकिन मेरी बेटी उस लड़के चंदर के प्यार में इतनी पागल थी कि घर छोड़कर बाद मुक्ता की मां ने यह रिश्ता मान लिया, लेकिन मैं नहीं मान पाया। इसलिए एक दिन गुस्से में आके मैंने ऐसे उन दोनों को जान से मारने की धमकी दे डाली। बाद में मैंने ये रिश्ता मान लिया और मैंने चंदर को बुलाकर माफी भी मांगी, लेकिन मेरी बेटी मुक्ता उसने मुझसे सारे संबंध खत्म कर दिए। फिर मैंने और चंदर ने मिलकर उनका हनीमून प्लान किया उज्जैन में, ताकि मैं चंदर के सामने अपनी बेटी से माफी मांग लूं। मैंने उन्हें शादी में कोई तोहफा नहीं दे पाया, इसलिए मैंने उनके लिए एक सोने का हार खरीदा उनको शादी में गिफ्ट देने के लिए। मेरी बेटी मुक्ता बहुत जिद्दी थी सर, बहुत जिद्दी। मैंने उनसे मिलने के लिए कल बहुत कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मैं उनसे मिलने के लिए मंदिर पहुंचा, लेकिन वो लोग मंदिर नहीं पहुंचे। मैंने उन्हें कई बार फोन कॉल किए सर, लेकिन उन्होंने मेरा एक फोन कॉल तक नहीं उठाया। सर मैंने क्या क्या नहीं किया उनके लिए। मैंने ही उनके हनीमून के लिए ड्राइवर महेंद्र का इंतजाम किया था सागर ट्रेवल्स। साल्वे साहब, इस हिसाब से पूरा शक तो उस ड्राइवर पर जाता है। हाँ साहब, मेरे को भी ऐसा ही लगता है। अंजलि जरा इन्हें बाहर ले जाओ। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से तो उन दोनों की वाइन में नशीली दवाई मिलाई गई थी, लेकिन साहब ये नशीली दवा मिलाएगा कौन?
जिसने उन दोनों का मर्डर किया है। रूम नंबर 7 में वाइन की बोतल तुम लेकर गए थे ना? हाँ सर। उनके बोतल में वाइन तूने ही डाला था ना? नहीं सर, मैंने सिर्फ कॉक खोला था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। योर वॉलेट। थैंक यू सर। सब कर दूंगे? नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। ओके सर। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से उनकी वाइन की बोतल में पूरी तरह से नशीली दवा मिली हुई थी और बाथ टब में उन दोनों की लाश आराम से पड़ी हुई थी। ना कोई सामान फैला हुआ था और ना ही बाथ टब से कोई पानी बाहर गिरा हुआ। अब तुम मुझे ये बताओगे कि तुम्हारे रिसॉर्ट में ऐसा कौन है जो उनकी वाइन की बोतल में नशीली दवा मिलाकर इतनी आराम से उन दोनों का खून कर देगा? सर, वेटर ने तो उनके सामने सिर्फ कॉर्क खोला था, फिर वो सब बाहर निकल गया था। ए मैनेजर, क्या गारंटी है कि सच बोल रहा है? जिनके लिए इसने वाइन की बोतल खोली थी उनका तो मर्डर हो गया। नहीं साहब, सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। चुप। तू ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, समझ गया ना? सर ये रिजॉर्ट छोड़ के नहीं जाएगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलो। सर, चंदर के माता पिता आई बैठी। सर, हम अपने गांव शिवपुरी वापस जाना चाहते हैं, हमारे बेटे की लाश को लेकर। देखिए, हमने किशन जी से पूछताछ की है और हमें नहीं लगता कि उन्होंने कोई मर्डर किया है या वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं। आप लोगों को किसी पर शक है? हाँ सर, हमें एक लड़के पे शक है जो मुक्ता और चंद्र की हत्या कर सकता है। कौन है? नवीन चौहान। मुक्ता और चंद्र के साथ कॉलेज में पढ़ता था। ये लोगों की तिगड़ी बहुत मशहूर थी, लेकिन मुक्ता और नवीन में तो प्यार मोहब्बत वाली दोस्ती थी। चंद्र इधर आ, ये ले मैं हमारी वीडियो बना। रेडी? हमारा चंद्र तो बस उनके साथ रहता था, लेकिन पता नहीं पिछले 6 महीने में ऐसा क्या हुआ, उसने नवीन को छोड़ के चंद्र को फांस लिया और शादी भी कर ली। नवीन मुक्ता और चंद्र से बहुत नफरत करने लगा था, हो सकता है इसी ने खून किया हो। ये नवीन जिसकी बात आप कर रहे हैं वो शिवपुरी में रहता है? नहीं सर, वो अपने परिवार के साथ उज्जैन में रहता है। आपके पास उसका कोई पता ठिकाना है क्या? नहीं सर, हम तो आपसे यही कहने आए थे कि हमारा बेटा तो नहीं रहा, लेकिन उसके कातिल को सजा मिल जाए तो अच्छा है, हम इसी में सबर कर लेंगे। अच्छा सर, हम चलते हैं। अंजलि, हम इनका बेटा तो नहीं लौटा सकते, लेकिन उसके कातिल को सजा जरूर दिलवाएंगे। साहब, सागर ट्रैवल एजेंसी में पता किया मैं, ड्राइवर महेंद्र को मुक्ता के पिता किशन नेगी ने ही हायर किया था, लेकिन ये महेंद्र अभी तक वापस शिवपुरी गया नहीं है। साहब सालवे, एक नया किरदार सामने आया है, ये किसी पिक्चर की ट्रायंगल लव स्टोरी लगती है। किरदार का नाम है नवीन चौहान, जो ना तो इस शहर में रहता है ना ही उसका कोई पता ठिकाना मालूम है। ये होटल में मिली हुई चाकू के फॉरेंसिक रिपोर्ट्स है और इसमें भी किसी की उंगलियों के निशान नहीं है। मतलब ये कि कादिल ने बहुत सोच समझ कर ये कत्ल किया है और ये काम वही कर सकता है जिसके सर पर बदला लेने का खून सवार हो। और ये शख्स नवीन चौहान ही हो सकता है जिसको छोड़कर मुक्ता ने चंद्र से शादी कर ली। सालवे, सारे काम छोड़कर इस खूनी आशिक को ढूंढने में लग जाओ। सर, साहब खबरी का फोन है। हेलो, साहब जिस कैब में महेंद्र उन दोनों को यहाँ लेके आया था उस कैब का एक्सीडेंट हो गया। लेके चेक करो।
ये वही कार है जो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखी थी। साहब, होटल से गायब किया हुआ सामान, मोबाइल, पर्स, ज्वेलरी इधर है। इस आदमी का चेहरा बिल्कुल बिगाड़ दिया गया है और इसका गला भी रेता हुआ है, ठीक उसी तरह से जैसे उस हनीमून कपल का किया गया था। रिसॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज में हमने जिस आदमी को देखा था उसकी पर्सनैलिटी इस आदमी से बिल्कुल मैच नहीं करती। साल्वे साहब, ये सब कुछ हमें बेवकूफ बनाने के लिए प्लान किया गया है। हो सकता है साहब, अब इन मर्डर्स की गुत्थी को सिर्फ एक ही आदमी सुलझा सकता है, नवीन चौहान। साल्वे साहब, तुम्हें काम करो, नवीन चौहान के कॉलेज जाकर उसके घर का एड्रेस निकालो। जी कहिए। विमल चौहान आप ही का नाम है? जी हाँ, मैं ही हूँ। नवीन चौहान तुम्हारा बेटा है? जी सर, वो मेरा ही बेटा है, पर वो अब यहाँ नहीं रहता। यहाँ नहीं रहता मतलब? सर वो 6 महीना पहले ही घर छोड़कर भाग गया था। देखो, हमको उसका तलाश है, अभी तुम बताओ कि वो किधर मिलेगा। उसका कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, अरे कहीं तो जाता होगा, किसी से तो मिलता होगा। पता नहीं साहब, पर वो कभी कभार अपने नाना नानी के यहाँ आया जाया करता है। उसके नाना नानी कहाँ रहते हैं? शिवपुर सर। चलो पुलिस यहाँ भी आ सकती है। जी हरि सिंह जी। हाँ जी, मैं ही हरि सिंह हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। आइए, जरा आप चाय बना के लाइए प्लीज। चाय की तकलीफ मत कीजिए, हमें नवीन से मिलना है। नवीन से क्या क्या काम है आपको? क्या काम है क्या मतलब, दो दो खून करके भागा है वो। खून? नवीन, नवीन कैसे कर सकता है? ये तो मुझसे मिलकर ही पूछेंगे, चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। जानते हैं कि खून नवीन ने किया है, सबूत है हमारे पास। नवीन ने अपनी प्रेमिका मुक्ता और उसके पति की हत्या की है क्योंकि उसके दोस्त चंद्र ने उसकी प्रेमिका से शादी कर ली थी। अपनी प्रेमिका के लिए नफरत लिए घूम रहा था वो, और उनके हनीमून के दिन ही उज्जैन के एक रिसॉर्ट में उसने उनका खून कर दिया। आए नवीन, बाहर बुलाओ उसे। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको नवीन से मिलवाता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? देखो, छुपाने से कुछ फायदा नहीं है। हाय। क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सच है। जन्मदिन था उसका। तू मुक्ता को भूल क्यों नहीं जाता? वो नहीं आएगी। वो चंद्र से शादी कर रही है, वो बर्थडे पे विश नहीं करेगी तुझे। चलो चलो,
केक काटते हैं सब शरद के आने के बाद। ये शरद कभी भी टाइम पे नहीं आता है, हॉस्टल में रखने का यही नतीजा होता है। जाओ बेटा तुम जल्दी से कपड़े बदल लो, क्या मुक्ता की मोहब्बत में फटेहाल मजनू बने घूम रहे हो। हाँ जाओ 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 जल्दी 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 से कपड़े बदल के आओ। नवीन के छोटे भाई का फोन आया, उसे आने में देर लगेगी, तो हमने तब तक केक काटने की तैयारी कर ली, मगर वो फिर भी नहीं आया। हमने जाके दरवाजा जोर जोर से थपथपाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला, तो हमने दरवाजा तोड़ डाला। हमने नवीन की मौत को छुपाए रखा, हम नहीं चाहते थे कि नवीन की आत्महत्या की बात बिरादरी में किसी को पता चले, क्योंकि नवीन की छोटी बहन की शादी की बात चल रही थी तो हम सब इस बात पर पर्दा डाल के रखना चाहते थे, नहीं बताना चाहते थे। नवीन का चेहरा ड्राइवर के चेहरे से मैच नहीं हो रहा है। लेकिन शरद ऐसा था कि वो नहीं चाहता था कि इस बात को छुपाया जाए, वो तो चाहता था कि मुक्ता की शादी के दिन उसको पता पड़े कि भाई ने उसकी वजह से आत्महत्या की। हरि सिंह जी, आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। सर हमें यहां क्यों बुलाया? चंदर और मुक्ता की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है और इसको सुलझाने में हमारी मदद की है हरि सिंह जी। मैंने कैसे? जब आपने हमें यह बताया कि आपका परिवार नहीं चाहता था कि नवीन की आत्महत्या की खबर बाहर जाए, और जब यह बताया कि शरद चाहता था कि यह दुनिया को पता चले कि उसके भाई ने आत्महत्या की है, तब मुझे शक हुआ, और उस शक को दूर करने के लिए मैं शरद के हॉस्टल गया। क्या बोलूं तुझे, शरद बोलूं या ड्राइवर महेंद्र? आप लोग चलिए, मैं सामान लेकर आता हूं। शरद ने अपने भाई की आत्महत्या के जिम्मेदार चंदर और मुक्ता को समझ लगा और इसने उनके मर्डर की प्लानिंग की। नहीं सर, शरद ऐसा नहीं कर सकता। अफसोस की बात है विमल जी, ये खून शरद ने ही किया है। क्योंकि इसने खुद जुर्म को बुलाया। मैं सही कह रहा हूं ना? सॉरी पापा, मुझे भैया की मौत का बदला लेना ही था। और बदला लेने के लिए इसने अपने एक दोस्त की मदद से ड्राइविंग करना सीखा, उसके बाद चंदर और मुक्ता के इर्द गिर्द मंडराने लगा, और एक दिन उसे पता चला कि वो लोग हनीमून मनाने के लिए उज्जैन जा रहे हैं, और ये उनके पीछे पीछे पहुंच गया। इसने ये भी पता लगाया कि वो किस रिजॉर्ट में ठहरे हैं, और वहां भेस बदल कर रिजॉर्ट के मैनेजर से बात की, ये कहकर कि मैं उनका ट्रैवल एजेंट हूं और वो मेरे खास क्लाइंट्स हैं। वहां पहुंचकर इसने उनके कमरे की खिड़की की चिटकनी में गन लगा दिया ताकि ये आराम से अंदर जा सके, लेकिन अंदर जाने से पहले इसने एक काम और किया। वेटर को वॉलेट देते समय उसके हाथ में एक वाइन की बॉटल देखी, और बाहर जाकर सेम वाइन की बॉटल लेकर उसमें नशीली दवा मिला दी और कमरे
लोगों की वजह से मेरा भाई जहां पहुंचा है तो आज तुम लोगों का कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा का रेंज नहीं है। इसकी प्लानिंग के हिसाब से किशन जी फंस गए, क्योंकि ये जानता था कि किशन जी इसी रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। लेकिन अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ था, इसने ये भी पता लगा लिया कि वो किस कैब से उज्जैन जाने वाले हैं, और ये भी इसने पता लगाया कि मुक्ता के पिताजी ने उस कैब को बुक किया है सागर ट्रेवल्स के थ्रू, और इसने उस कैब ड्राइवर की आइडेंटिटी पता करके उसको अगवा कर लिया। बाद इसने उस कैब ड्राइवर को उस गाड़ी की डिग्गी में रखा और दो दिन तक भूखा प्यासा रखा। उसके बाद उसे हाईवे पे ले जाकर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। इसने ये सब पुलिस से बचने के लिए किया था, और उसके बाद उसने अपने कपड़े भी उस कैब ड्राइवर को पहना दिए ताकि पुलिस को शक ना हो। सही कहा ना मैंने शरद? ड्राइवर को मारना मेरी मजबूरी थी, लेकिन उन दोनों को मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं। उन दोनों को मार के मैंने अपने भाई के बात को बदल लिया है। मैं मानता हूं कि मुक्ता और चंद्र ने जो किया तो गलत था, लेकिन तुमने अपने दिल में इतनी नफरत पैदा कर ली कि उस आक्रोश में आकर तुमने तीन तीन खून कर दिए, लेकिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। साले सर, ले जाओ इसे।